नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के नगर सुकाहाबाद में नाली और खरंजा को लेकर परेशान है मोहल्ले के नगरवासी। घरों के आसपास हो रहा है काफी जल भराव। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा है कोई काम। आपको बता दें, एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार जहां हर शहर और गांव को गड्ढा मुक्त कराने का वादा करती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के तहसील चुकाबाद क्षेत्र मोहल्ला ओम नगर में काफी जल भराव है। जहां नई कॉलोनी पिछले 10 वर्षों से बन चुकी है, लेकिन आपको बता दें मौजूदा हालात की बात की जाए तो घरों के आसपास काफी जल भराव हो रहा। धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने हमारी समस्या को जानने की कोशिश की। मुझे विश्वास और भरोसा है कि आप हमारी समस्या को अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं अपने हमारे इस मोहल्ले का लगभग जो है 1000 की आबादी है, और 1000 की आबादी में कई गलियां हैं, लेकिन अधिकांश गलियां कच्ची हैं। आप देख रहे हैं अगल बगल में ही 3-4 गलियां हैं, 3-4 गलियों में पानी भरा हुआ है। हम लोग इस मोहल्ले के लोग नारकी जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर पालिका के चेयरमैन, ईओ आज जो है लोगों से कई बार संपर्क कर चुके हैं। हमारी गलियों का 1 या 2 बार टेंडर भी हुआ है, लेकिन टेंडर होने के बाद भी हमारी गलियां नहीं बनी है। बड़ी समझ से परे है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि शहर की सारे शहर में गलियां भर रही हैं, नालियां भर रही हैं, बिजली के खंभे लग रहे हैं, वहां जो है लाइट हो रही है, लेकिन हमारे मोहल्ले को अछूता क्यों माना जा रहा है। कि मुझे लगता है कि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब या उसके जो है अधिशासी अधिकारी हमारे इस मोहल्ले को नगर पालिका से अलग मानते हैं या नरक पालिका मानते हैं, ये समझ से परे है। मुझे तो ये लगता है कि पूरे शहर में नगर पालिका काम करती है और हमारे मोहल्ले में नरक पालिका काम करती है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप हमारे और हमारे मोहल्ले के इन लोगों की आवाज को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। शायद आपकी आवाज सुनकर ही उनके कानों पर जूर रंग जाए और वे हमारी बातों पर हमारी समस्या का समाधान करें। अगर वो करते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो हम ये कहेंगे कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और उनका स्वच्छता का जो अभियान है सारा का सारा झूठ है, साढ़ा फाला असत्य है, सब खोखला है। और अगर ऐसा रहा हमारे मोहल्ले में, अगर ये गलियां नहीं बनी और हम लोग इसी तरीके से गंदे पानी में निकलते रहे, बैठते रहे, नारकी जीवन यापन करते रहे, तो हम ये समझेंगे कि सरकार जो है स्वच्छता के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही, केवल दिखावा कर रही है।